अखिलेश यादव के नाम पर अधिकारियों को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले अब्बास ने एक जनसभा में कहा था कि सपा सरकार बनने पर पहले अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। उसी बयान को आधार बनाते हुए अब्बास पर FIR दर्ज की गई थी। उनके चुनाव प्रचार पर भी आयोग ने रोक लगा दी थी। अब अब्बास के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कई धाराएं बढ़ा दी गई हैं। दरअसल मुख्तार अंसार की परंपरागत सीट मऊ सदर से इस बार सपा गठबंधन की सहयोगी सुभाषपा ने अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा था। चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास ने अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा था कि भैया से बात हो गई है, सपा की सरकार बनने पर यहां के अधिकारियों का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा, पहले सभी का हिसाब किताब होगा। अब्बास का बयान तेजी से वायरल हुआ तो उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने भी अब्बास के बयान को गंभीर माना और उनके प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब्बास अंसारी मऊ सदर से जीतकर विधायक बन गए हैं, लेकिन भाजपा की प्रचंड जीत के साथ सरकार बनने से परेशानी बढ़ गई है। नई धाराएं जोड़ने के सवाल पर मऊ कोतवाली के इंस्पेक्टर का कहना है कि अब्बास के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन में पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, जांच में अन्य बातें सामने आई तो धाराएं बढ़ाई गईं। हालांकि उनका कहना है कि केस दर्ज होने के अगले ही दिन धाराएं बढ़ा दी गई थी। बता दें कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट जीत ली है। वहीं गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी मन्नू जीत हासिल की हैं। मऊ सदर सीट मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट रही है। लगभग 3 दशक से यह सीट मुख्तार के पास है। पहली बार उन्होंने चुनावी राजनीति से खुद को दूर करते हुए बेटे अब्बास को सुभाषपा के टिकट पर उतारा था। अब्बास को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। 30 राउंड तक अब्बास अंसारी 1,05,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके थे।